कुछ वर्षों से तुर्की ने भारत के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ने 22,000 करोड़ के नौसैनिक युद्धपोतों की डील से तुर्की की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो। क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, सुनिएगा ध्यान से, अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। देखिए, आप एक जब इतनी ओपन जो है वो नाइंसाफी करेंगे और डंडी मारेंगे, और फिर आपको कोई कुछ कहे तो फिर आप कहते हैं जी आप देखें हमारा बड़ा ये ऐसा काक में जरूर हुआ। हमारे पास ज़्यादा पैसा है तुर्की से, वी हैव मोर मनी देन तुर्की, वी हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, वी हैव मोर मनी देन ईरान। इनके और आप देखें, ये बड़ा मुश्किल था, एक इंतहाई खूबसूरत बरादर मुल्क है हमारा, बड़ा मुश्किल था कि वो जब सऊदी अरेबिया और ये सारा इत्तेहाद बन गया था यमन में, तो उन्होंने कहा कि हम दरमियान में नहीं आएंगे। और मिस्टर मोदी की पॉलिसी बहुत अच्छी है ऐसी कि पटक के मारे एक मिनट में। आप इस मुल्क में क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या लिसानियत या सुबाइयत की बुनियाद रखना चाह रहे हैं? फिर कोई बात करे तो फिर आप ये कहते हैं कि मजमूम मकासद आके और साजिश और 5-7 लफ्ज हैं वो किसी के गले पड़ जाते हैं। पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों, यानी कि हमारे पास काबिलियत थी लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते थे जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है, आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड स्ट्राइक इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हमने करना है, या अमेरिकन मीडिया ने कह दिया या उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया। जो सरकार ने बोला हम इंडिजिनस नहीं बनाएंगे, हमें टर्की की जरूरत नहीं, तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दें? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से पंगा लेना क्या होता है, अब ये टर्की को अच्छे से पता चल जाएगा। हाल ही में भारत ने तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया अपने एक काफी मैसिव प्रोजेक्ट से। $2.3 बिलियन का पूरा ये प्रोजेक्ट था। 2020 में भारत ने तय किया था कि हम तुर्की के साथ काम करेंगे, लेकिन अब तुर्की को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देने वाला तुर्की को भारत ने कड़ा सबक सिखाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए काम कर रहे तुर्की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। इससे तुर्की को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। जहाजों के जो पार्ट्स हैं अब पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा। इसका ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दे दिया गया है। इससे पहले तुर्की की कंपनी की मदद से इन जहाजों को डिजाइन और बनाया जाना था, लेकिन भारत ने विदेशी कंपनियों से किनारा कर लिया है। भारतीय कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिए जाने से हजारों की तादाद में भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में तुर्की की भारत विरोधी नीति देखते हुए कंगाल तुर्की को बड़ा झटका माना जा रहा है भारत का। आज तुर्की की हालत भी पाकिस्तान जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत ने तुर्की को लगभग 22,000 करोड़ का झटका दिया है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। क्यों टर्मिनेट किया? इसलिए टर्मिनेट किया कि इंडिया के और तुर्की के रिलेशंस बड़े खराब है। कि क्यों हुआ ऐसा? तुर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान मत रहा था। तुर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जो 72 लोगों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। इस चक्कर में उसने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले ली थी। ठीक है, अब जो सरकार ने बोला हम इंडिजिनस नहीं बना लेंगे, हमें तुर्की की जरूरत ही नहीं, तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दें? ये 22,000 करोड़ तुर्की ले करके और कश्मीर के खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा और यूएन में बोलेगा। भाई पहले नहीं बोल रहा था ना, अब बोलना शुरू हुआ। 5 शिप बनने थे करीब 44,000 टन के, 40,000 टन के शिप थे। अब हिंदुस्तान इन शिप्स की, पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी 10 अप्रैल को हो गई। ये भी शिपयार्ड ने बोला, एक्चुअली टर्किश फर्म को इसके डिजाइन में हेल्प करना था हमारे, क्योंकि उनके पास शायद टेक्नोलॉजी बेटर है तो हमें डिजाइन में हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब डिजाइन वर्क हम खुद करेंगे, शिपयार्ड ने बोला। साथ में जो टर्किश अरेंजमेंट था टर्किश के साथ, इस अरेंजमेंट के लिए पिछले साल अगस्त में ही खत्म हो गया था। मतलब हम लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि भैया इनसे डिस्टेंस ले लो, कोई जरूरत नहीं हमें। इसलिए कैंसिल किया कि तुर्की जो है वो मिडिल ईस्ट, यूरोप
मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ था, ग्रीस के थ्रू ना जाए ये टर्की के थ्रू जाए, ये आपको ग्रीस दिख रहा है और साथ में आपको टर्की दिख रहा है। तो तुर्की चाहता था कि ये ग्रीस के थ्रू ना जाए। अब वो क्यों ग्रीस के थ्रू ना जाए इसलिए बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि ग्रीस की उससे दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी। तो ये चाह रहा था कि ये प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए हमारा। हमने प्रोजेक्ट फेल होने नहीं दिया और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तुर्की को बता दिया कि भाई तुर्की औकात में रहना, हमारे सामने लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हो हम तो मारते दस हैं गिनते एक। ये कहानी हुई। अच्छा ये भी कि टर्की और ग्रीस, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो ग्रीस के थ्रू जा रहा है, ग्रीस को गेटवे बोला भी जाता है यूरोप के लिए, हमारा ग्रीस से आगे यूरोप जाएगा। तो टर्की को बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि टर्की की ग्रीस से लड़ाई है, टर्की को हमारे साथ काम भी करना है, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट बनने जा रही है, हमसे बिजनेस भी करना है, हमसे पैसे भी लेने और हमारे खिलाफ यूएन में भी बोलना, ऐसे कैसे हो जाएगा। इनको सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान, ये क्यों कर रहे हैं, इनका मैटर क्या है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान किसी को, पाकिस्तान खुद व्हीलचेयर में बैठा है, पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करेगा किसी को, ये जानने की जरूरत है। ठीक है ना, अब सुनिए, देखिए साहब मेन थिंग ये है कि सऊदी अरब तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता है, एर्दोगान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप उसके हाथ में हो और तुर्की लीड करे। ये सारा गेम जो चल रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक दुनिया की जो 57 कंट्रीज हैं, और ये छोटे नहीं है 57 कंट्रीज, और लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान है इस दुनिया में, 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब मुसलमान है इस दुनिया में। अब उनकी लीडरशिप कौन करेगा, अभी तक तो सऊदी अरब करता चला आया है, और सऊदी अरब कैसे करता चला आया है, सऊदी अरब ऐसे करता चला आया है कि मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास, मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास, कहानी खत्म हो गई। यानी कि हर एक मुसलमान को जो अफोर्ड कर सकता है जिंदगी में एक न एक बार जाके वो हज के लिए जाएगा, या फिर उमरे के लिए जाएगा, या फिर दोनों के लिए जाएगा, या फिर मल्टीपल टाइम जाएगा और वहां पर सजदा करेगा। इसमें भारत का क्या इनपुट है, भारत ने भेजी है आर्मेनिया के लिए पिनाका सिस्टम्स, पिनाका भेजा, और भारत ऐसा सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि, लेकिन हो सकता है कि भारत वहां पर ब्रह्मोस भी भेजे, और भारत अनेकों किस्म की मिसाइल्स भेजे, क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, सुनिएगा ध्यान से, अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तुर्की से, वी हैव मोर मनी देन तुर्की, वी हैव मोर मनी देन पाकिस्तान, वी हैव मोर मनी देन ईरान, राइट। पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों, यानी कि हमारे पास काबिलियत थी लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते थे जाने दो यार क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो क्या फर्क पड़ता है, आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। तो भारत भी वहां पर हथियार डाल रहा है और लड़ाई अभी एक किस्म का आप समझ लीजिए, युद्ध विराम तो नहीं कहूंगा, बट देयर इज एन अनईजी काम, लेकिन किसी भी वक्त दोबारा लड़ाई इरप्ट हो सकती है।